स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सरपंच शांतिलाल चौहान द्वारा नगर के दो छोर से जेसीबी से कचरा व मलबा हटवाया गया। इस दौरान सरपंच श्री चौहान ने बताया कि लगातार नगर को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और नगर के दोनों मुख्य मार्गों और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने कचरा डालने वालों को दंडित किया जाएगा। जो व्यक्ति कचरा डालने वाले के फोटो या फिर वीडियो उपलब्ध कराएगा उसको पंचायत द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसी अभियान को सफल बनाने में नगर वासियों को भी सहयोग के लिए आगे आना होगा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सेगांव में स्वच्छता अभियान को लेकर साफ सफाई हो रही, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साफ स्वच्छता के संबंध में नवदुर्गा उत्सव आ रहे हैं, सामने दीपावली भी आ रही है, तो स्वच्छता करवाना, वो तो पहले से हमारी पंचायत की प्लानिंग थी, पहले जैसे कचरा वाहन आएगा तो साफ स्वच्छता पर ध्यान देंगे और ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करेंगे। कचरा वाहन को लेकर आप क्या, आपकी पॉलिसी है कि लोगों से कैसा क्या? प्रत्येक घर से 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा और दुकानों से 100 रुपये स्वच्छता संबंध और होटलों से 200 रुपये शुल्क, तो और ग्रामीणों से निवेदन है कि इसमें हमारा सहयोग करें। अभी जो साफ सफाई आपके द्वारा की जा रही है, अगर लोगों द्वारा फिर कचरा फेंक वहाँ पे डाला जाता है तो उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की, जो आदमी कचरे की वीडियो बना के देगा, जो जो डाल रहा है फोटोग्राफ्स, उसको ग्राम पंचायत तरफ से 200 रुपये दिए जाएंगे बताने वाले को। कचरा डालने वाले 500 रुपये का दंड किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। क्या नाम लिखता? सरपंच शांतिलाल चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।